एक चीज जो मुझे बड़ा मसला आ रहा है अपने मुल्क में, वो जरूर आप बात करें। मौलाना रूमी, उनसे किसी ने पूछा कि कौम कैसे मरती है। मौलाना रूमी ने कहा कि कौम तब मरती है, उन्होंने दो दरख्तों का बताया, एक बड़ा खुशबूदार और एक बड़ा बदसूरत दरख्त। जब एक कौम उनके अंदर फर्क करना खत्म कर देती है, कौम मर जाती है। जब कौम एक अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। देखिए, पैसा चोरी होता है फिर आ जाता है, कौमों के लिए पैसा आता जाता है, लेकिन जब एक कौम की इखलाकियत तबाह होती है तब कौम मरती है। इसलिए यहाँ जो जुल्म हुआ है ना हमारे मुल्क में, कि मैं देखता हूँ एक हमारे 8-9 हमारे बड़े बड़े सहाफी वो जाके अदालत में चले गए कि जी एक आदमी जो सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, जिसको जो मुल्क से झूठ बोल के बाहर भाग गया, जिसके पता है कि अरबों रुपए बाहर पड़े हैं, यहाँ का चोरी किया हुआ पैसा, और वो कहते हैं जी उसको तकरीर करने की इजाजत दी जाए। यानी हम क्या मैसेज दे रहे हैं अपने नौजवानों को, अपने यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं कि चोरी करना कोई बुरी चीज नहीं है, कि आप मुल्क से झूठ बोल के फरार हो जाए कोई फिक्र नहीं है, आपके पास अरबों रुपए की बार प्रॉपर्टी, आप जवाब ही नहीं दे सकते, लेकिन आपको तकरीर करने का मौका दिया जाए। मैं क्योंकि मगरब को फिर मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, आप यकीन करें कि अगर उस तरह कोई आदमी वहां ये करता पब्लिक के पैसे से तकरीर किया, वो किसी महफिल में नहीं बैठ सकता था। देखिए, ये जो करप्शन है ना, ये मुल्क की सबसे बड़ी कैंसर है, लेकिन इससे कभी कानून से नहीं लड़ा जाता। हाँ, हम कानून से लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन कानून से पूरा माशरा लड़ता है, क्योंकि माशरे का पैसा चोरी हुआ होता है। मेरा तो नहीं पैसा चोरी हुआ, तो पूरा माशरा उसका मुकाबला करता है, और तब माशरा जीतता है जब एक थानेदार या पटवारी भी रिश्वत लेते हुए डरे कि लोग क्या कहेंगे अगर पता चल गया लोगों को। ये समझने की बात है, जब माशरे के अंदर वैल्यू सिस्टम ये हो जाता है कि वो माशरा एक्सेप्ट ही नहीं करता जो आदमी उस माशरे के पैसे चोरी करे, कानून तोड़े, तब वो माशरा जीतता है करप्शन की जंग। के यहूदी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, आज किसी की मजाल नहीं है, कोई भी यहूदियों के खिलाफ बात नहीं कर सकता वहां मगरिब पे। वो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो भी इसराइल की भी कोई तनकीद करे वो एंटी सेमाइट कह देते हैं, सब चुप हो जाते हैं, कोई बात नहीं करता। और जो होलोकास्ट है, जिसके एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ था यहूदियों के खिलाफ जर्मनी के अंदर, तो आज उसकी आप आजादी के राय के नाम से उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर सकते, इस तरह का उसकी कोई मनफी बात नहीं कर सकते, 4 यूरोपियन मुल्कों में जेल में चले जाते हैं। तो वहां आजादी राय नहीं है, लेकिन इधर वो आड़ ले लेते हैं आजादी राय की, और मैं इसको ज्यादा अपनी कमजोरी समझता हूँ, अपनी मुसलमानों की। और इंशाल्लाह मैं आप सबको यहाँ ये कहता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा, मुसलसल कोशिश करूंगा, मुसलमान दुनिया के सरबराहों को मैं पूरी हर तरह, जब भी मैं मिलता हूँ मैं उनको भी कोशिश करता हूँ, और मगरिब के भी जब उनके सरबराह को, उनको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक इंसानों के अंदर तकसीम हो रही है, ये जब आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जब भी बात करें तो लोगों को सफाई की तरफ लगाएं। हम मगरिब में जाते हैं, वहां साफ सुथरी जगह होती है, वहां जाएं आप, यानी क्यों, हम क्यों नहीं साफ हो सकते, हम क्यों नहीं, इस पे कोई पैसे लगाने की तो चीज नहीं है, ये तो माइंडसेट है। तो मैं चाहता हूं कि जिधर भी जो भी मौका मिले आप जरूर, क्योंकि आप सबके पास आवाज है, लोगों को समझाएं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आधा ईमान सफाई है, तो किसी वजह से कहा था। हम जो वजू करते हैं ये सिम्बोलिक है कि हम साफ लोग हैं। मस्जिद में जाते हैं कि इतने गंदे वो बाथरूम्स देख के, हो कोई सफाई नहीं कुछ नहीं, तो हम ऊपर से अल्लाह का नाम ले रहे हैं, और यानी वो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी चीज़ कि हम साफ लोग हैं। मैं वही फिर आपको बताऊँ, मैंने किताब पढ़ा था क्रूसेडर्स की, ये जब पहली दफ़ा यूरोप से लोग आए और जो मुसलमानों से टाकरा हुआ उनका, जब उन्होंने जरूसलम के ऊपर वारदात की, तो वो जो मुसलमान के अकाउंट पढ़े वो कहते थे कि ये नहाते नहीं है, इनसे बू आती है, ये ऐसे, और वो कहते थे ये बड़े साफ लोग हैं। हमाम पहली दफ़ा उन्होंने जिंदगी में देखे थे जब वो पहली दफ़ा आए, तो यूरोप में तो था ही नहीं ऐसा, तो अब वो उल्टा हो गया, वहाँ सफाई है और हमारा हालात बुरे हैं। तो मैं ये दूसरी चीज़ आप सबसे चाहता हूँ कि माशरे के लिए, यूथ के लिए जरूर बात करें सफाई की। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने उनसे एक दफा पूछा, एक कुरैश का आदमी, उसने कहा जी मैं अब 60 साल का हूं, मैं आदत नहीं बदल सकता, मेरा सारा कबीला मुसलमान हो रहा है तो मुझे भी होना पड़ रहा है, तो अब मैं आदत नहीं बढ़ सकता, मुझे एक चीज बताओ मुसलमान होने की, कि मैं आदत भी रखूं और मुसलमान भी हो जाऊं। उन्होंने कहा सच बोला करो,
देखिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि इसके ऊपर प्लीज जोर दें, सच्चाई पे, यूथ पे, बच्चों पे, सब पे, जिधर बात करें आपकी फिर से मैं कहता हूँ आवाज है। ये जो हमारी, क्योंकि फिर से मैं कॉन्ट्रास्ट बता रहा हूँ, आप यकीन करें जिन मुल्कों को हम काफिर कहते हैं वो बड़े सच्चे लोग हैं, अखबार पढ़ा होता है, वैसे कोई भी नहीं होता वहाँ, वो पैसे डालते हैं, पैसे रखते हैं और अखबार उठा लेते हैं, वहां तो कोई पूछने वाला नहीं है। एक सच्चाई का एक पूरा एक हमें जिहाद करनी पड़ेगी, क्योंकि बदकिस्मती से वहां भी हमारे में, मुझे कई दफा बड़ा अफसोस होता है, हमारे में ये वैल्यू जो इतना बड़ा इस्लाम का वैल्यू है सच, ये भी हम दूर चले गए इससे। और आखिर में मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूँ वो ये कि जी लोगों को हमेशा इत्तेहाद यूनिटी की बात कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, वही मुसलमान कबीले थे, बटे हुए थे, आपस में लड़ते थे, उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी, उन्होंने उन सब कबीलों को इकट्ठा कर दिया और एक कौम बना दिया। हमारे अंदर ये जो डिविजन्स हैं, आपस में हम इख्तलाफ होता है तो वो बंदूकें उठा लेते हैं, कोई कुछ करता है, कोई दूसरे को काफिर कह देता है, वैसे भी माशरे के अंदर ये जो हम आपस में तकसीम किए हुए होते हैं, ये बहुत बड़ी रुकावट है हमें एक अजीम कौम बनने में। और ये है भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कि लोगों को यूनाइट करना, रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे वो, तो बल्कि इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। तो ये जो यूनाइट करना है ये बहुत बड़ी उनकी सुन्नत है। दहशत गर्दी का ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना किसी और दीन से ताल्लुक है, दीन और दहशत गर्दी का कोई ताल्लुक नहीं। हर जिधर भी इंसानी माशरा होता है वहाँ हर इंसानी माशरे में एक तरफ इंतहा पसंद होते हैं, एक तरफ वो जो अपने आप को लिबरल कहते हैं और एक तरफ ज्यादातर मॉडरेट लोग होते हैं। ये सारे इंसानी माशरे इसी तरह ही होते हैं। तो कभी भी किसी ये कहना कि कोई इस्लाम रेडिकल इस्लाम है, इंतहा पसंद इस्लाम है, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं, और हम ये समझा नहीं सके। अभी भी वो कहते हैं रेडिकल इस्लाम, इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमान लीडरशिप ने इसकी कभी भी वजाहत नहीं की मगरब में, और क्योंकि मैं समझता था और मगरब में मैं देखता था तो ये बिगड़ता गया। आखिर में ये स्टेज आ गई कि वो ये जो खुदकुश हमले होते हैं उसको भी उन्होंने कहा कि इस्लाम की वजह से, ये जो चीज हमने फैलने दी डिस इंफॉर्मेशन, इस्लाम के खिलाफ कैंपेन, इसको पहले तो मुसलमान दुनिया की लीडरशिप ने काउंटर नहीं किया। और मैं बार बार लोगों को समझाता रहा कि, और बाहर मगरब में भी अभी भी मैं कहता हूँ कि खुदकुश हमले 9/11 से पहले जो सबसे ज्यादा खुदकुश हमले किए थे वो टैमल्स ने किए थे श्रीलंका में, वो हिंदू थे, लेकिन कभी किसी ने हिंदू टेररिज्म नहीं कहा। और उससे पहले जब जब जापानियों ने, जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारने वाले थे तो उन्होंने भी जहाजों में बैठ के खुदकुश हमले किए अमरीकी किश्तियों के ऊपर, लेकिन कभी उन्होंने उनकी दीन के ऊपर नहीं कहा कि जी खुदकुश हमले कुछ जापान की उनकी उनका दीन कहता है। तो ये पहले तो ये गलती हमने की और ये फैलता गया, फिर एक उससे पहले गलती की, सलमान रुश्दी ने जब किताब लिखी सैटेनिक वर्सेस, फितना उसने किया और उसे पता था कि मुसलमान दुनिया में एक रिएक्शन आएगा, गुस्सा होगा, लेकिन मगरब के अंदर उसने ये कहा कि देखें जी ये देखें मुसलमान ये बड़े तंग नजर हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ हैं और इसलिए देखें ये रिएक्ट कर रहे हैं, हालांकि ये आजादी राय होनी चाहिए कि मैं किताब लिख रहा हूं। उसे पता था कि क्या रिएक्शन आना है क्योंकि वो मुसलमान घर में बड़ा हुआ था, लेकिन मगरब में लोगों को नहीं पता था क्योंकि उनका रवैया दीन का बिल्कुल मुख्तलिफ है जो हमारे मुसलमानों का है, वो बिल्कुल और तरह दीन को देखते हैं। मैं जब पहली दफा गया बरतानिया तो वो कार्टून बनाए हुए थे उन्होंने अपने, मैं बात नहीं करूंगा नाउज़ बिल्ला, लेकिन अपने दीनी जो उनको दीनी समझते थे उनका बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो उनको समझ ना आए और हम समझा ना सके, जो होना चाहिए था कि मुसलमान दुनिया के सरबराह को फिर से यूनाइटेड नेशंस फोरम है, OIC फोरम है, वहां उनको कहना चाहिए था कि हमारे हमारा किस तरह का प्यार और इश्क है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमें समझाना चाहिए था क्योंकि उनको तो समझ नहीं थी, और हमें उनको बताना चाहिए था कि ये आजादी राय के नाम पे हमें तकलीफ ना दें इनके ऊपर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुर्मती करते हुए, लेकिन नहीं किया किसी ने। और हुआ क्या कि ये जो फितना था जिसको पता था कि मुसलमान रिएक्ट करेंगे, वो बार बार कभी कार्टून ले आए, कभी कुछ ले आए और तकलीफ देते रहे मुसलमानों को जो रिएक्ट करते थे, तो मौका मिल गया इस्लामोफोबिया का। और मुसलमान जो रहते हैं, हमें तो इसका इतना असर नहीं होता, लेकिन आपको हैरान होंगे कि जो मुसलमान रहते हैं आज मगरबी दुनिया में, बल्कि हिंदुस्तान में भी, कितनी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है इस्लामोफोबिया की वजह से। हमारी औरतें जब वो अपना सर कवर करती हैं और वो जाती हैं
पब्लिक में, तो उनके ऊपर आवाजें लगाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। हमारे जो दीनी लोग दाढ़ियां रख के जब पब्लिक में जाते हैं, जो वो समझते हैं मुसलमान है, उनको बुरा भला कहते हैं। सिर्फ इस वजह से न्यूजीलैंड के अंदर एक बंदूक वाला दहशतगर्द जाके 50 मुसलमानों को कत्ल कर देता है। तो उसे क्या पता कि जब उन्होंने जब इस्लाम और दहशतगर्दी को इकट्ठा कर दिया तो लोगों को क्या पता कि कौन सा मुसलमान दहशतगर्द है या कौन सा मुसलमान इंतहा पसंद है। वो तो सब एक हो गया उनकी नजर में। तो इसलिए वहां मगरब में मुसलमानों को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान दुनिया के जो सरबरा है, हमने कभी ये कोशिश नहीं की सबने मिलके इसको इंटरनेशनल फोरम्स पे उठाने की। इसलिए मैं OIC में भी ये चीज उठाई, आते साथ ही यूनाइटेड नेशन में भी उठाई और बार बार दूसरी दफा फिर उठाया कि कोशिश कर रहा हूं। और फिर मैंने सारे मुसलमान सरबराहों को लेटर लिखे कि जब तक हम सब मिलके मगरब को नहीं अप्रोच करेंगे, ये बार बार इस तरह की चीजें होती रहेंगी और हमें तकलीफ मिलती रहेगी। और उनको मौका मिल जाएगा कहने का कि देखें जी कितने तंग नजर है मुसलमान। कि उलमाए मुशायक का बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान में बनाने का था, जो कादरी साहब ने अभी अपनी तकरीर में कहा, और वो होना भी था क्योंकि दुनिया की तारीख में एक ही मुल्क इस्लाम के नाम पे बन रहा था। और जिस मुल्क का नारा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसमें जो दीनी हलके थे उन्होंने तो पूरी तरह इसमें मदद की। शायद एक आध ऐसे थे जिन्होंने मुखालफत की, लेकिन ज्यादातर सारे ने कायदे आजम के साथ खड़े हुए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपका आज एक बहुत बड़ा रोल है इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना जिस मकसद के लिए मुल्क बना था। अगर आप इलामा इकबाल उनका जो फलसफा पढ़े, उनकी जो ख्वाब थी पाकिस्तान की, वो एक बड़ी अजीम ख्वाब थी, एक बड़ा जहन था, उसकी ख्वाब भी बड़ी थी। और जो वो पाकिस्तान का तसव्वुर था वो एक ज्यादातर लोग समझते नहीं है बदकिस्मती से। वो ये पाकिस्तान को देखना चाहते थे, कैसा मुल्क जो कि एक सारी दुनिया के लिए मॉडल बनेगा कि असल में इस्लाम क्या है।